सामान गुम होने पर अब एयरलाइन मुसाफिर को जुर्माना अदा करेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कैरेज एयर एक्ट नाफिज कर दिया है। एयरलाइन सामान की गुमशुदगी पर मुतासरा शख्स को 1,35,000 रुपये अदा करने की पाबंद होगी। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद अली से। जी अली बताइएगा। एयरपोर्ट से पीए समेत लेकर जितनी भी प्राइवेट एयरलाइन चलाई जा रही है, इनमें जितने मुसाफिर हैं, इनकी बैगेज का गुम होना रूटीन मैटर था, और इनके लाखों रुपए का मुसाफिर का सामान होता है और उसके जब बैग फोड़ दिया जाता है तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता था। अब सिविल एविएशन ने फौरी तौर पर एक अहकाम जारी किया और एक इश्तहार भी लगा दिया लाहौर एयरपोर्ट पे के कैरेज एक्ट 2012 के तहत अगर किसी मुसाफिर का सामान घूमता है तो वो 1,25,000 रुपये तक क्लेम कर सकता है। इस हवाले से क्योंकि सैकड़ों शिकायत होती है वो महाना वसूल होती है, अब मुसाफिरों को कम अज कम ये हो जाएगा कि उनका जो सामान कीमती चोरी होगा उसका एयरलाइन जिम्मेदारी लेगी, और अगर सामान नहीं वापस करेगी तो उसके मतबादल उसको 1,25,000 रुपये तक रकम अदा करनी पड़ेगी। इस हवाले से सिविल एविएशन एजेंसी सालाना तौर पर जितने भी बैग लोग भूल जाते हैं उनकी ऑप्शन भी करवाती है, और वो सिर्फ सिविल एविएशन के अफसरान और निचला अमला ऑप्शन में शामिल होकर लोगों को कीमती सामान कौड़ियों को भाई ले जाता है। बहुत शुक्रिया आपका राना मोहम्मद अली।